दोस्तों यार कुआं देखकर ऐसा लग रहा है यार ये कोई अकाल मृत्यु वाला कुआं हो जैसा। दोस्तों लाइट नहीं आने के कारण जो है दूल्हे को हम कुएं में धक्का देने ले जा रहे हैं। इधर आओ, कुआं एक साथ पीछे में लाओ, कुएं में धक्का देने के लिए हम वहां ले जा रहे हैं उनको। जैसा कि भैया महेंद्र भाई की शादी हो गई है और सब सो के उठे हैं, अब यूवी भैया पोहे टेस्ट करें। यूवी भैया आप बात बताएंगे, पोहे कैसे लगे आपको? बेकार। तो आप क्या खाना पसंद करें वो अब देखते हूँ, आगे क्या खाना मिलेगा फिर देखूंगा मैं। तो अभी क्या फंक्शन है आगे? आगे क्या है? दातुनगढ़ा आविष्कार किसने किया है? क्या है? एक दस्तूर है समाज का स्तर पे। अच्छा, समाज स्तर में एक दस्तूर है जो उसको निभाना पड़ता है। हमारा दातुन करना बच्चा कर लो करा बस तैयार मुंडू धोवा। इसका ये एक दूल्हे राजा को स्नान करके तैयार करके तैयार करते हैं और फिर वापस उसके घर जाते हैं, बस ये ही दातुन कड़ा होता है। और उसके बाद में खाना जिमो आराम से तो दुल्हन को लेकर घर जाओ। ठीक है महेंद्र भाई अब दुल्हन जो है घर जाएगी 2 बजे के आसपास, है ना? 2 बजे बाद फिर उसके बाद शाम को क्या प्रोग्राम है हम देखेंगे। और उससे पहले हम क्या थोड़ा नहा लेते हैं, अपने थोड़ी पानी की टंकी वंकी पड़ी हुई है तो वहाँ पर देखते हैं नहाने वाने का क्या सीन है। नहीं नहीं पानी का वो टंकी वंकी नहीं है तो वो कुंडी बनी हुई, कुंडी बनी हुई पो भरी हुई है, कुंडी में डुबकी लगा लेते हैं। चाय आ गई है हमारे भाई साहब लेके, चाय पी लेते हैं। चलो चलो चाय। और फूटा हुआ कप, फूटा हुआ कप देखिए, देखिए शादी के पहले दिन कप फूट गया बस। नाश्ता भेजो। अरे प्लेट खाली हुई होनी, मैं ले लूँ चाय। हाँ चाय है कड़क एकदम, और लौंग वाली भी है ना, अदरक वाली भी है, मिक्स है। कप का नाम ही कड़क ही, कप का नाम भी कड़क ही है, देख लेना। गढ़े की तैयारी कर रहे हैं और जाजम वाजम बिछा रहे हैं, इसके ऊपर सब जितने भी हैं सामग्री बाहर निकालेंगे और दातनगढ़ा कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। दातनगढ़ा के लिए जो सब नाना वाना होगा यहाँ पर कंप्लीट तैयारी, विंध्याचल दूल्हे को कंप्लीट करेंगे मेकअप वेकअप। मुकेश सेन कहाँ है? मुकेश सेन आप अपने कार्य चालू करें, दूल्हे को सजाने की तैयारी भी करें जल्दी। ठीक तो दोस्तों हमारे ये देखो रीति रिवाज होते हैं दातन गढ़ा वगैरह, जो पोहे पानी चालू करेंगे, पानी टंकी पानी आएगा सब नहाएंगे। दोस्तों लाइट नहीं आने के कारण जो है दूल्हे को हम कुएं में धक्का देने ले जा रहे हैं। इधर आओ, कुआं एक साथ पीछे में लाओ, कुएं में धक्का देने के लिए हम वहां ले जा रहे हैं उनको, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और कुंडी में पानी था, लेकिन वो सब ने क्या सुबह फ्रेश हुए तो सब पानी खराब कर दिया था, तो फ्रेश पानी से हम नहाने जा रहे हैं। तो वो आ गया सामने कुआं, हाँ उसी कुएं में लगाएंगे गड्ढे में। दोस्तों यार कुआं देखकर ऐसा लग रहा है यार ये कोई अकाल मृत्यु वाला कुआं हो जैसा। और बाप रे महेंद्र भाई डर लग रहा है इस कुएं के अंदर, ये तो यूं लग रहा है मौत का कुआं भाई, मौत का कुआं। महेंद्र भाई देखो अंदर जाने से पहले एकदम आराम से, लापरवाही नहीं करें, आराम से रखिए ना। दोस्तों पुराना टाइम का कुआं है और काफी पुराना है, और देखो ये रेट भी लगा हुआ था पहले बेल से जो पानी निकालते थे, अभी भी बेल जो है शायद होते होंगे या मतलब बेल आगे पानी निकालते होंगे, लेकिन अब क्या टूट गया है ये जो इनका होता है रेड से पानी निकालते ये वाला। आप यहाँ पर दातन गढ़ा करके फिर यहाँ से निकलते हैं वापस, जहाँ पर आगे पहनाने की तैयार है और वहाँ पर आगे जो है खाना वाना तैयार है, फिर वहाँ पर हम जाइए। भैया
मुकेश भाई कब कितनी देर बाकी गेटअप में? अब हो गया गेटअप ना, जल्दी तैयारी करो यार, आप लेट आ गए फिर हमारे को डिस्टर्ब करते हो। टाइम पे की तैयारी हो चुकी है, दूल्हा भी तैयार हो चुका है और सामने दूल्हा बैठा हुआ है। और लोकेशन देख सकते हो आप, कितनी शानदार लोकेशन पे हम बैठे हुए हैं जहाँ पर एक पेड़ पे पत्ती भी नहीं है। तो दोस्तों विदाई हो चुकी है और कपिल और हम और महेंद्र भाई जो है रवाना हो चुके हैं। दुल्हन जो है पीछे आ रही है, काफी रो रही है, घर वाले परेशान हैं, उदास है। तो हम यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं नए लोग के साथ। बस आज यहाँ जो बारात आई थी वो सारा प्रोग्राम है खत्म, निकलते हैं आते बारह है ना कपिल। बाय बाय।